पाठ का शीर्षक है बंदर गया खेत में भाग। बच्चों सबसे पहले सुनते हैं भैया से कविता पाठ। बंदर गया खेत में भाग, बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप, डट कर सोए बंदर भूप। और बच्चों इसी कविता को सुनते हैं एक आप जैसे ही प्यारे से बच्चे की आवाज में। इस कविता पाठ को कुछ छोटे बच्चे भी दोहराते हैं, आप भी दोहराना ठीक है? तो सुनो ये कविता। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दू। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दू। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। और अब इसी कविता को सुनो संगीत के साथ। खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग। जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। सापड़
सोए बंदर भू चलनी बिछा ओढ़ कर सू डट कर सोए बंदर भू चलनी बिछा ओढ़ कर सू डट कर सोए बंदर भू बंदर गया खेत में भाग चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग बंदर गया खेत में भाग चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग बंदर गया खेत में भाग चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग बंदर गया खेत में भाग चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग बंदर गया खेत में भाग। अभी आपने सुना ये ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर देवाशीष, अनुजा बिसारिया और बच्चे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।